अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी ने सबसे सॉलिड प्लान तैयार कर लिया है। अब कोर्ट से इजाजत मिले न मिले, लेकिन राम मंदिर का सपना पूरा करने की तैयारी हो गई है। तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि 2021 में अयोध्या आने वाले हर शख्स को अयोध्या में आते ही राम मंदिर के दर्शन का सुख भी मिल सकता है। ऐसा कैसे होने जा रहा है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। दरअसल भारतीय रेल अयोध्या स्टेशन का निर्माण उसी नक्शे के आधार पर करवाने की तैयारी में है जिस नक्शे को बीएचपी ने राम मंदिर के लिए प्रस्तावित किया था। विवादित स्थल पर बनाए जाने वाले मंदिर का ये नक्शा विश्व हिंदू परिषद ने 80 के दशक में तैयार किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक रेल राज्य मंत्री ने अयोध्या में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके मंत्रालय में जल्द ही प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर से मिलते जुलते रूप में अयोध्या रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। खबर में मनोज सिन्हा के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मानना है कि दुनिया भर से अयोध्या आने वाले लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। प्रस्तावित रेलवे स्टेशन में सभी आधुनिक सुविधाएं जैसे लिफ्ट और एस्केलेटर्स भी मौजूद होंगी। अयोध्या स्टेशन के मेकओवर के लिए घोषित 200 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। बाकी 120 करोड़ रुपए अयोध्या में रेलवे का माल और गोदामों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में खर्च किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं को 2021 तक पूरा किए जाने की तैयारी चल रही है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा फिलहाल कोर्ट में है। जब तक कोर्ट से राम मंदिर निर्माण पर आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं आता, तब तक अयोध्या में दिल को सुकून देने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार ऐसी परियोजनाओं को हरी झंडी तो दे ही सकती है। वैसे भी 2019 के लोकसभा चुनाव अब करीब ही हैं, और कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।